शारदीय नवरात्र जो कि पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारी लोग बहुत पहले से ही करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार नवरात्र कितने तारीख से शुरू हो रहा है, किस दिन किस देवी की पूजा होगी तथा कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त कौन सा दिन और कौन सा समय पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद नवरात्रि इस बार 29 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर को समाप्त होगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, नवरात्रों में 9 दिनों का उपवास रखना होता है। नवरात्र में माँ दुर्गा का आवाहन, कन्या पूजन, दुर्गा पंडालों का भ्रमण और भी बहुत से कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह उत्सव देवी दुर्गा के पारंपरिक अनुष्ठान के साथ शुरू होता है, जिसे कलश स्थापना या घट स्थापना पूजा कहा जाता है। कलश स्थापना मुहूर्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन पर पड़ता है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। कलश स्थापना को शुभ मुहूर्त पर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 7:40 तक है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर किस दिन को किस देवी की पूजा होगी। प्रथमा तिथि शैलपुत्री माता की पूजा होगी तथा इसी दिन कलश स्थापना भी होगी। 29 सितंबर 2019 दिन रविवार का होगा। द्वितीया तिथि ब्रह्मचारिणी पूजा, 30 सितंबर 2019 दिन सोमवार। तृतीय तिथि सिंदूर चंद्र घंटा, 1 अक्टूबर 2019 मंगलवार। चतुर्थी तिथि कुष्मांडा माता की पूजा, 2 अक्टूबर 2019 दिन बुधवार। पंचमी तिथि स्कंद माता की पूजा, 3 अक्टूबर 2019 बृहस्पतिवार। षष्ठी तिथि कात्यायनी माता की पूजा, 4 अक्टूबर 2019 दिन शुक्रवार। सप्तमी तिथि कालरात्रि माँ की पूजा, 5 अक्टूबर 2019 दिन शनिवार। अष्टमी तिथि महागौरी, 6 अक्टूबर 2019 दिन रविवार। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है तथा उस दिन उपवास व्रत के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन नवमी के दिन भी किया जाता है। नवमी तिथि सिद्धिदात्री माता की पूजा, 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार। दसवीं तिथि विजयदशमी, 8 अक्टूबर 2019 दिन मंगलवार।